हेलो स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास इलेवेंथ के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड पार्ट है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी प्रिसीजन्स और एरर के बारे में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरर्स के बारे में किसी भी मेजरमेंट में मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस को एरर कहते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने पर आया 20.75 सेंटीमीटर लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर तो इसका एरर हो जाएगा 20.75 माइनस 20 जो कि आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर अब बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में जितना ज्यादा मेजर्ड वैल्यू क्लोज होगा एक्चुअल वैल्यू के वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा यानी उसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगा जैसे कि सपोज मान लीजिए किसी मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू है 80 यूनिट्स और उसको तीन बार मेजर करने के बाद वैल्यू आया 79.2, 79.4 और 79.6 यूनिट्स तो 79.6 यूनिट सबसे ज्यादा क्लोज है मेजर्ड वैल्यू 80 यूनिट्स के और इसीलिए 79.6 यूनिट हमारा सबसे हाईली एक्यूरेट होगा अब बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में प्रिसीजन रिलेटेड होता है लिमिट्स ऑफ मेजरमेंट्स से अगर आसान लैंग्वेज में कहा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को जितना ज्यादा डिजिट्स में मेजर किया जाएगा वो उतना ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड होगा जैसे कि कोई मेजरमेंट करने के बाद तीन पॉइंट सिक्स आया थ्री पॉइंट सिक्स टू यूनिट्स और थ्री पॉइंट सिक्स टू एट तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब थ्री पॉइंट सिक्स टू एट होगा यानी उसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा हाई होगा क्योंकि उसका नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज्यादा है तो चलिए अब बात करते हैं एरर्स के बारे में तो एरर्स दो टाइप के होते हैं सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर इम परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स एंड प्रोसीडियर और पर्सनल एरर्स अगर एरर किसी रेगुलर वे में एक डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव में होता है तो उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं अगर एरर दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव और इरेगुलर वे में होता है तो उसे हम रैंडम एरर कहते हैं अब चलिए सिस्टमैटिक एरर के कुछ टाइप्स को देखते हैं अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट होगा या डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से होने वाले एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं कभी कभी मेजरमेंट करते वक्त बाय मिस्टेक हम एक्सपेरिमेंट्स रॉन्ग वे में परफॉर्म करते हैं तो इसकी वजह से होने वाले एरर को इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर के अंडर काउंट करेंगे अगर एक्सपेरिमेंट्स का रीडिंग लेते टाइम हमसे मिस्टेक्स या गलती होती है तो उसकी वजह से होने वाले एरर को पर्सनल एरर कहते हैं तो चलिए अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बीच के डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू अंडर मॉड मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बुक का लेंथ मेजर करने पे 17.6 सेंटीमीटर आ रहा है लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ 17 सेंटीमीटर है तो हमारा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा 17.6 पॉइंट सिक्स माइनस सेवनटीन विच इज इक्वल्स टू जीरो सेंटीमीटर अब बात करते हैं रिलेटिव एरर्स के बारे में तो एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करने पे जो रेशियो आता है उसे हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल वैल्यू अब चलिए फिर उसी एग्जांपल में आइए देखिए इसका रिलेटिव एरर होगा 0.6 डिवाइडेड बाय 17 अब बात करते हैं परसेंटेज एरर के बारे में जब हम रिलेटिव एरर यानी एप्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है एप्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू हंड्रेड अब चलिए फिर उसी एग्जाम्पल में देखिए अब हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए एप्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करके इनटू हंड्रेड कर देंगे तो आएगा 60 डिवाइडेड बाई 17। अब देखिए मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है लेकिन मेजर्ड वैल्यू तीन बार ऑब्जर्व करने के बाद तीन अलग वैल्यू ए वन ए टू और ए थ्री दिया हुआ है तो ऐसे केस में एक्चुअल वैल्यू उन तीन मेजर्ड वैल्यू का एवरेज होगा और सिर्फ तीन ही क्यों अगर और भी मेजर्ड वैल्यू दिए हुए होंगे तब एक्चुअल वैल्यू उन सबका एवरेज यानी मीन होगा अब देखिए किसी मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू और एरर दिया हुआ है तो उसको फॉर्मल वे में लिखने का स्टाइल होता है एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर ये एक इंपॉर्टेंट वे है किसी मेजरमेंट के एक्चुअल वैल्यू और एरर को लिखने का किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड होगा वही उसका लीस्ट काउंट कहलाता है तो चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में देखिए किसी भी दो मेजरमेंट के दो एप्सोल्यूट एरर को सम करने का सिंपल फॉर्मूला होता है फर्स्ट एप्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड एप्सोल्यूट एरर अब देखिए किसी भी दो मेजरमेंट के दो एप्सोल्यूट एरर को डिफरेंस करने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एप्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड एप्सोल्यूट एरर आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फिर ये प्लस कहां से आ गया नहीं हम लोग चाहे सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे एब्सोल्यूट एरर का दोनों में यही फॉर्मूला होगा फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड एब्सोल्यूट एरर अब देखिए ये तो हमने बात किया सम और डिफरेंस का अब देखिए किसी दो मेजरमेंट के दो एब्सोल्यूट एरर को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी दो एब्सोल्यूट एरर है और ए और बी दो एक्चुअल वैल्यू है किसी दो मेजरमेंट का और जेड है ए इंटू बी अब देखिए अगर जेड पे कोई पावर दिया हुआ है तो उसके लिए एब्सोल्यूट एरर का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी यहां पे डेल्टा ए और डेल्टा बी दो एब्सोल्यूट एरर है Z है एक इक्वेशन जिसमें a का पावर p है b का पावर q है और c का पावर r है तो स्टूडेंट्स ये था फिजिक्स के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड वीडियो मुझे पता है कि जो लोग पहली बार ये टॉपिक एक्यूरेसी प्रिसीजन और एरर पढ़ रहे होंगे उन्हें कोई ना कोई डाउट हुआ ही होगा तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग फुल फोकस्ड होके पॉइंट टू पॉइंट मेरे हर लाइन को समझते हुए ये वीडियो पार्ट थ्री दोबारा से देखिए अगर उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग